कन्वर्ट करके एक लिक्विड टाइप मिक्सचर में कन्वर्ट करके, जिसे आप टैंक कहेंगे, उसके बाद ये प्रोपेल करेगा फूड को इनटू द ड्यूडेनम और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्टोरेज फंक्शन, मिक्सिंग फंक्शन और प्रोपल्सिव फंक्शन तीन मेन फंक्शन कहलाते हैं स्टमक के। स्टोरेज फंक्शन क्या होता है कि इसके अंदर खाना आ सकता है और वो रह सकता है, कितना आ सकता है, कितना स्टोर कर सकता है, इसके बारे में गाइडिंग लिखता है कि 0.8 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक नॉर्मली आम लोगों के अंदर, मतलब 800 ml से लेके 1500 ml तक इतनी वॉल्यूम इसकी होती है कि ये उतने कंटेंट को स्टोर कर लेता है या उसके अंदर आ जाता है खाना। देन उसके बाद ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ द सर्कुलर मसल एंड पेरिस्टाल्सिस इनसाइड द स्टमक हमारे पास मिक्सिंग मूवमेंट्स होती हैं। चर्निंग और मिक्सिंग की वजह से जो है ये काइम में कन्वर्ट करता है ये पूरी की पूरी फूड कंटेंट को, और ये काइम जो होता है सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड टाइप जो मटेरियल होता है, फिर ये आपके पास आगे प्रोपेल हो जाएगा इनटू द इंटेस्टाइन ताकि वहां पे फिर इसकी प्रॉपर अब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो सके। ओके, फिर कुछ चीजें और याद रखिएगा, इसकी एम्प्टिंग को फैसिलिटेट दो चीजें करती हैं। स्टमक की जल्दी एम्प्टिंग होगी अगर वहां पे गैस्ट्रिन ज्यादा रिलीज हुई भी होगी और अगर वहां पे ज्यादा खाना मौजूद होगा, तो ये आपकी बॉडी सेंस कर सकती है। अगर इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ फूड है, आपने ज्यादा खाना खाया, तो जाहिर है कि उसको वहां से रिमूव करना है ताकि आगे वो जाए प्रोसेसिंग में और मजीद खाना अगर आप खाना चाह रहे हैं तो वो इसके अंदर अकोमोडेट हो सके। सो इंक्रीज फूड की प्रेजेंस या इंक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्टमक विल लीड टू इंक्रीज मोटिलिटी एंड इंक्रीज सीक्रीशन। इसी तरह से गैस्ट्रिन के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस्ट्रिन स्टमक से सीक्रीट हो रही होती है और ये गैस्ट्रिन भी जो है फिर आगे जाके स्टमक की सीक्रीशन को बढ़ाती है। फिर एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप बहुत देर भूखे हैं, 12 से 24 घंटे के बाद पेट में मरोड़ सी होती है, पेट में बहुत ज्यादा हंगर पैंग्स होते हैं। हंगर पैंग्स का मतलब यह है कि स्टमक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं फॉर एंटिसिपेशन ऑफ फूड। इसको याद रखिएगा, 12 to 24 hours लिखा हुआ है आपके बुक में, 12 to 24 hours अगर आप एम्प्टी रखते हैं अपने स्टमक को तो स्टमक में कॉन्ट्रैक्शंस या पेन स्टार्ट हो जाता है और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में 3 to 4 days और स्टार्वेशन तक देखा गया कि चलता रहता है। सो इस फिनोमिना को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी स्टमक मसल्स ड्यू टू द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, इसको आप कहते हैं हंगर पैंग्स। सो ये वो मेन बातें हैं जो स्टमक के बारे में हम याद रखते हैं। और इसके अलावा एक इसके फंक्शन में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज हो रहा होता है, ये भी इसका एक बड़ा फंक्शन है। गैस्ट्रेक्टमी अगर किसी की हो जाए, खुदा ना खास्ता स्टमक के कैंसर की वजह से आपको स्टमक को रिमूव करना पड़ जाए, तो फिर आपको जिंदगी भर उसको इंट्रिंसिक फैक्टर के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि उसके अंदर जाके ये B12 एब्जॉर्ब हो सके इंटेस्टाइन में। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके स्टमक। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, फंडस बॉडी और एंट्रम में हमने डिवाइड किया था, और फंडस बॉडी एंट्रम में डिवाइड करके हमने बात की थी कि सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल होंगे जो कि इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को। ओके, अमाउंट ऑफ फूड इन गाइडेंस जो लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे चैट में मेरे पास, 0.8 to 1.5 liters लिखा हुआ है वहां पे, मतलब 800 ml से लेके 1500 ml तक फूड की वॉल्यूम यहाँ पे स्टोर हो जाती है। गाइडेंस पढ़ेंगे तो आपको वहां दिख भी जाएंगे। ओके, फिर गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये बात की हम लोगों ने। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे दो तरह के मशहूर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लगे हुए होंगे, एक ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स होंगे जो कि 80% ऑफ द स्टमक में होंगे, सरफेस ऑफ द बॉडी और फंडस, मतलब वो जो शुरू का पोर्शन था इसोफेगस के बाद जो शुरू हुआ था वहां से ही स्टार्ट हो जाएंगे। ये HCL पेप्सिनोजेन इंट्रिंसिक फैक्टर और म्यूकस सब कुछ रिलीज कराएंगे, इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत तरह के सेल्स हैं, म्यूकस मैक सेल्स हैं, पेप्टिक सेल्स हैं और पैराइटल सेल्स हैं। ये डायग्राम बनी हुई है गाइडिंग के अंदर, म्यूकस मैक सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स हैं, पेप्टिक सेल्स हैं। ओके, ये सेल्स क्या क्या बना रहे थे ये भी हमने बात की थी। म्यूकस मैक सेल मेनली म्यूकस सीक्रेट कर रहे थे, पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजेन बना रहे थे, पेप्सिन से पेप्टिक याद कर लीजिएगा, और पैराइटल सेल जो थे वो HCL बना रहे थे और इंट्रिंसिक फैक्टर बना रहे थे। फिर आप लोगों को मैंने एजेंटिक सेल की है पैराइटल सेल की डायग्राम दिखाई थी, यहाँ पे सारी जो ब्रश बॉर्डर टाइप एरिया आपको लाइनिंग दिख रही है
यहाँ पे वो HCL की सीक्रेशन हो रही होगी, जो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमने कल डिस्कस की थी कि पैराइटल सेल में किस तरह से HCL प्रोड्यूस होता है, प्लस फिर वो निकल के बाहर यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर आ जाता है और स्टमक की कैविटी के अंदर आ जाता है। कितनी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि लो से लो कितनी पीएच हो सकती है हमारे स्टमक में, चैट में कोई भी रिप्लाई करते वन, शाबाश, वन टू टू या वन, वन तक भी गई है, ओके? और इसके बावजूद इतनी लो एसिडिटी, इतनी ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट या इतनी लो पीएच के बावजूद भी आपकी स्टमक की अपनी म्यूकोजा खराब नहीं होती, क्योंकि एक तो उसमें गैप जंक्शन बहुत कम होते हैं, जगह बहुत कम होती है कुछ पेनिट्रेट करने की, दूसरा वाटर आके डाइल्यूट करने की ट्राई करता है, तीसरा म्यूकस वहां मौजूद होता है जो कि इंटरनल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता होता है। एचसीएल किस तरह बन रहा था इसको भी देख लेते हैं। पैराइटल सेल के अपने अंदर हमने बात की थी, साइकिल शुरू होगी वाटर की ब्रेकडाउन से, वाटर की ब्रेकडाउन से आपके पास एच आया और ओएच आया, इस एच को आपने प्रोटॉन पंप के थ्रू, ये प्रोटॉन पंप है याद कर लीजिएगा इसका नाम, जब स्टमक की हमें प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी या रोकना चाहेंगे हम, किसी को गैस्ट्राइटिस हो रहा होगा, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर होगा, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं, ओमिप्रेजोल, राइजेन के नाम से आप लोगों ने सुना हुआ होगा, वो जाके इस पंप को स्टॉप कर देते हैं। सो पहले स्टेप में ये जो एच क्रिएट हुई थी ये ल्यूमेन के अंदर चली गई इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम, और ये पोटेशियम अंदर आ गया। इसी तरह से आपके पास वो जो OH वाला पोर्शन था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर उसने बाइकार्बोनेट बना लिया, और बाइकार्बोनेट बाहर चला गया इन एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड, ये क्लोराइड अंदर एक्युमुलेट होके चैनल्स के थ्रू बाहर चला जाएगा वापस ल्यूमेन में, और आपके पास इस तरह से बार बार ये एक्सचेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्लोराइड अंदर आता जा रहा है, डिफ्यूज होकर ल्यूमेन में आता जा रहा है, और जितनी एच प्रोड्यूस हो रही है वो भी ल्यूमेन के अंदर जाती है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एच एंड सी एल प्रोड्यूस हो जाएगी इस एरिया में, हाईलाइट भी की गई है। एच और सी एल मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या वो एसिड जो आप चाह रहे थे, और ये सब कुछ करते हुए चूंकि प्रोटॉन पंप ने पोटेशियम को उठा के वापस भेजा पैराइटल सेल में, तो ल्यूमेन के अंदर से उसकी कंसंट्रेशन कम कर दी। इसी तरह से जब ये पोटेशियम अंदर आया था इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, उस वक्त ये सोडियम के एक्सचेंज में आया था, तो यहाँ सोडियम की भी ड्रैग हो रही होगी इनटू द पैराइटल सेल फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द कैनालिकुलस। सो दो चीजें हमने कम कर दी एज कम्पेयर टू दी अदर एरियाज ऑफ द बॉडी, पोटेशियम और सोडियम, जबकि हमने दो चीजें इस ल्यूमेन में बढ़ा दी हैं, हाइड्रोजन बढ़ा दी है और क्लोराइड बढ़ा दी है। ये प्रोटॉन पंप सब लोग समझ गए, इसको प्रोटॉन पंप कह रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोटॉन, तो एच पॉजिटिव को अगर कोई चीज पंप कर रही है ये प्रोटॉन पंप कहलाएगी। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का नाम सुना हुआ है, कभी गैस्ट्राइटिस हुआ है किसी घर में, किसी रिश्तेदार को? ओके, ये जो पंप है यहाँ पे ल्यूमेन ऑफ द कैनालिकुलस के अंदर जो हाइड्रोजन को भेज रहा है पंप करके, एटीपी से इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं पंप है। और एच पॉजिटिव आयन जो होता है या प्रोटॉन जो होता है ये उसको पंप कर रहा है, सो इसको प्रोटॉन पंप कहते हैं। अगर मैं चाहूंगा कि किसी के स्टमक के अंदर एसिडिटी को कम कर दूं तो मैं इस पंप को बंद कर सकता हूं। इस पंप की इनहिबिटर्स होती हैं आपके पास, राइजिक की ब्रांड नेम से आ रही होती है, ओमिप्रेजोल उसका जेनरिक नेम होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास होती है जो कि गैस्ट्राइटिस में दे रहे होते हैं लोगों को, तो वो यहाँ पे एक्ट करती है और इस पंप को स्टॉप कर देती है। जब ये पंप स्टॉप हो जाएगा तो स्टमक की एसिडिटी में कोई फर्क आएगा? कम हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी वहां पे, एसिडिक एनवायरनमेंट कम हो जाएगा और पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। ओके, चलें, ये बात अप्लाइड मैंने आपको आज बता दी यहां पे। ओके, फिर हमने बात की थी एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स की, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के साथ ही थे और ये हिस्टामिन सीक्रेट कर रहे थे। इस हिस्टामिन से क्या हो रहा था कि ये हिस्टामिन जो थी वो एचसीएल की सीक्रेशन को ट्रिगर कर रही थी, या ये जो पूरी कैस्केड चली पैराइटल सेल के अंदर इसकी इनिशिएटर थी। तो अगर फर्ज करें मैं इस हिस्टामिन को ब्लॉक कर दूं यहाँ पे तो कोई फायदा होगा हमें? एसिडिटी कम होगी स्टमक में या नहीं? फायदा होगा हमें इसका, शाबाश। ओके, इसका फायदा होगा तो ये दूसरी क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि आप गैस्ट्राइटिस के अंदर दे रहे होते हैं। ज़ेंटेक नाम सुना हुआ है कभी किसी ने?
सिमेटिडीन, रैनेटिडीन, जेंटेक के नाम से ब्रांड नेम होता है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कैसे इसे, ये भी क्या कर रही होती है, फॉरन से रिलीफ दे रही होती है, एसिडिटी को कम कर रही होती है। ये टेबलेट फॉर्म में आमतौर पर आप लोगों ने यूज होती हुई देखी होगी कहीं ना कहीं, जेंटेक नाम सुना हुआ होगा, ब्रांड नेम इसका बड़ा मशहूर है। सो दो तरीके आपको मैंने यहाँ सिखा दिया आज, या तो आप इस पंप को बंद कर दें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के थ्रू, या फिर आप क्या करें, ये हिस्टामिन रिलीज रोक दीजिए क्रोमेटोफिल सेल से। दोनों सूरतों में क्या होगा, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और एसिडिटी ऑफ द स्टमक कम हो जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ दिस गैस्ट्रिक एसिड स्टमक सीक्रेशन। ओके, अच्छा क्लोराइड के बारे में एक सवाल आया है चैट में, क्लोराइड अंदर कैसे आ जाता है। बेटा जब आप एक नेगेटिव आयन को बाहर पंप करेंगे तो उसके एक्सचेंज में कोई दूसरा नेगेटिव आयन आएगा अंदर, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप हाइड्रोजन को बाहर पंप कर रहे थे वो पॉजिटिव था तो एक दूसरा पॉजिटिव आयन उसको बैलेंस करने के लिए अंदर आएगा। सब याद रखिएगा इसको, जब भी आप बाइकार्बोनेट को बाहर भेजेंगे तो जो करीब में पड़ा हुआ क्लोराइड होता है वो उसकी जगह अंदर आ जाता है। एक और सवाल चैट में आ गया, हिस्टामिन जो है वो इंफ्लेमेटरी डिजीज के अंदर रिलीज हो रही है और हिस्टामिन के लिए जो है HCl सीक्रेशन अगर आप ब्लॉक करते हैं तो एलर्जी पे क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब ये बात भी सुन लीजिए, हिस्टामिन के रिसेप्टर दो तरह के हैं, H1 रिसेप्टर है और H2 रिसेप्टर है। स्टमक के अंदर जो लगे हुए हैं वो H2 रिसेप्टर लगे हुए हैं। अगर मैं हिस्टामिन के सिलेक्टिवली खाली H2 रिसेप्टर ब्लॉक करता हूँ तो बॉडी की इन्फ्लेमेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, इसी बात को दूसरी तरह समझ लीजिए, अगर किसी को एलर्जी है और वो एंटी हिस्टामिन ले रहा है तो वो वाली ड्रग जो एंटी हिस्टामिन है वो H1 रिसेप्टर ब्लॉक करेगी जहां से एलर्जी कॉज हो रही होती है। ओके, वो स्टमक के अंदर की एसिड के साथ कुछ भी नहीं करेगी, स्टमक के अंदर वो एक्ट नहीं करेगी। स्टमक में हिस्टामिन के जो रिसेप्टर लगे हुए हैं वो H2 कहलाते हैं, उनकी क्लास अलग है, और वो जो आपके इम्यून सेल्स पे लगे हुए हैं वो मास सेल्स पे लगे हुए हैं वो H1 टाइप है। सो हिस्टामिन के सिलेक्टिव ब्लॉकर आते हैं हमारे पास, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आप देंगे जब आपको खाली स्टमक के साथ कुछ करना है, और जब आपको एलर्जी कंट्रोल करनी है तो आप H1 एंटागोनिस्ट दे रहे होते हैं, एंटी एलर्जी जो आप दे रहे होते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई, योगिता ने सवाल किया चैट में। चलिए शाबाश, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि बाकी 20% पाइलोरिक ग्लैंड होते हैं जो कि इसी तरह के सीक्रेशंस को बना रहे होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था सरफेस म्यूकस सेल्स की वजह से इनसाइड ऑफ द स्टमक डैमेज नहीं हो रही होती, स्लिपरी या विस्कस फ्लूइड होता है, ये अल्कलाइन होता है और ल्यूब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करता है, सो रफ नहीं होने देता इनसाइड ऑफ द सरफेस को। और आप ये डायग्राम अगर देखें पैराइटल सेल वाली जो गाइटिन में बनी है, इसके बराबर ही उन्होंने दिखा दिए कि म्यूकस नेक्स सेल्स होते हैं तो बिल्कुल करीब से प्रोड्यूस करके कवर करके म्यूकस ने रखा हुआ होता है इन सेल्स को, जिसकी वजह से ये खराब नहीं हो रहे होते और डैमेज नहीं हो रहे। ओके, चलिए जनाब, फिर बात आई थी हमारी फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन की। अभी तक कुछ पूछते हैं तो पूछ लें आप लोग, कुछ अप्लाइड बातें भी हमने डिस्कस करनी है और अभी और मजीद अप्लाइड बातें हम डिस्कस करेंगे। कुछ पूछते हैं अभी तक के कॉन्सेप्ट में, कोई चीज जो रह गई हो वो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है तो बताएं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, क्लियर है। फिर मैंने ये आपको बताया था कि जो स्टमक में इतनी सारी सीक्रेशन हो रही है, हर चीज निकल के आ रही है, एसिड प्रोडक्शन हो रही है, इसको तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक कैटेगरी सिफेलिक फेज पहला कहा जा सकता है, फर्स्ट फेज, अभी खाना अंदर नहीं आया, फूड का कॉन्टैक्ट नहीं हुआ स्टमक की वॉल के साथ, लेकिन सीक्रेशन स्टार्ट हो गई खाने के बारे में खाली सोच के उसकी स्मेल से, दिस इज कॉल्ड सिफेलिक फेज। अराउंड 20% ऑफ सीक्रेशन यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट हो रही होती है, मतलब अगर 1 लीटर सीक्रेशन बन रही है तो 200 ml सिर्फ इस वजह से ही बन जाती है कि आपने खाने को देख लिया या आपने खाने को सूंघ लिया या आपने टेस्ट कर लिया। ओके, उसके बाद खाना जब स्टमक के अंदर आ गया, उसने स्टमक की वॉल्स को स्ट्रेच किया, स्टमक के अंदर एक्टिविटी करवाई, 70% ऑफ सीक्रेशन उस वजह से क्रिएट हो रही होती है क्योंकि अब स्टमक के अपने अंदर एक्टिविटी हो रही है और फूड की प्रेजेंस है। फिर 10% ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन के बारे में आपके बुक में लिखा हुआ है कि इंटेस्टिनल फेज के अंदर आ सकती है, अब ये दूसरी सीक्रेशन हो सकती है। और साथ में इंटेस्टिनल फेज के बारे में ये लिखा हुआ है कि जब इंटेस्टीन के अंदर खाना जाता है तो मेनली स्टमक की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, ताकि इंटेस्टाइन को काम करने का पूरा मौका मिल जाए।
तीनों फेसेस को हम देख लेते हैं। पहले फेस की अगर मैं आपको बात करूं कि समझाने की कोशिश करूं, साइट स्मेल टेस्ट या थॉट ऑफ फूड से आती, जाहिर है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन इन्वॉल्व होगा और उसके थ्रू फिर आपके सबम्यूकोसल प्लेक्सस तक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तक सिग्नल जा रहे होंगे जो कि चीजों को कंट्रोल करेगा, ये सीक्रीशंस को कंट्रोल करेगा। ओके, सबसे शॉर्ट होता है ये और इसमें यूजुअली न्यूरल मैकेनिज्म चल रहा होता है या नर्व्स के थ्रू ये हो रहा होता है आमतौर पे। इसमें बाकी कोई चीजें इन्वॉल्व नहीं होती, केमिकल्स कम इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरीली नर्व्स हैं जिनकी वजह से ये हो रहा होता है। इसमें क्या होगा, आपके पास म्यूकस, एंजाइम्स, एसिड प्रोडक्शन, हर चीज बढ़ जाएगी और गैस्ट्रिक जूस की वॉल्यूम बढ़ जाएगी जाहिर है, डेफिनेटली, और साथ में गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि आगे उसका काम है। दूसरा फेज गैस्ट्रिक फेज, अब ये प्रेजेंस ऑफ फूड की वजह से हो गया, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक हुई जब खाना उसके अंदर आया और पीएच एलिवेट हो गया या पीएच में चेंज आ गया, उसकी वजह से ये शुरू हुआ। ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, ये बेसिकली वो ड्यूरेशन है जिसमें ये खाना आपके स्टमक के अपने अंदर रहेगा। इसमें न्यूरल भी और हॉर्मोनल भी दोनों तरह के मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। 3 से 4 घंटे का ये फेज होता है गैस्ट्रिक फेज। न्यूरल में क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स को जो सिग्नल मिल रहा है स्टमक के खींचने की वजह से, या कीमो रिसेप्टर को पीएच के इंक्रीज होने की वजह से जो सिग्नल दे रहे हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस गैस्ट्रिक फेज में। हॉर्मोनल में क्या होगा, गैस्ट्रिन की सिक्रीशन बढ़ रही है और हिस्टामिन रिलीज हो रही है स्टमक के अपने अंदर, जिनकी वजह से ये सिक्रीशन इंक्रीज हो रही है स्टमक की अपनी, और 70% ऑफ सिक्रीशन जो है हमें इस 3 से 4 घंटे वाले फेज के अंदर मिल रही होती है। ओके, इसमें क्या होगा, बेसिकली एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगी, पेप्सिनोजन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मोटिलिटी भी बढ़ जाएगी और मिक्सिंग मूवमेंट्स इनिशिएट होंगी इसी फेज के अंदर ताकि खाना लाइम में कन्वर्ट हो सके इस गैस्ट्रिक फेज के अंदर। ओके, क्लियर है ये? पहले फेज में खाना भी नहीं पहुंचा था, वहां पे आपने मसल मूवमेंट के बारे में कम पढ़ा, मसल मूवमेंट या मोटिलिटी या मिक्सिंग मूवमेंट्स वहां नहीं चल रही थी। अब एक्चुअली खाना आ चुका है स्टमक में, स्टमक की वॉल के साथ कॉन्टेक्ट हुआ है, खाने का स्ट्रेच हुई है वो, जिसकी वजह से ये फेज स्टार्ट हुआ है। 3 to 4 hours का फेज है और यहाँ पे अब आपको मिक्सिंग और अदर मूवमेंट्स भी मिल रही हैं स्टमक की। ओके, थर्ड फेज इंटेस्टिनल फेज, ये क्या करेगा, काइम एंट्री को कंट्रोल करेगा इनटू द ड्यूओडेनम। काइम कहाँ पड़ा हुआ है, आपने काइम बना लिया स्टमक में और अब फर्ज करें जो खाना मौजूद है पहले से ड्यूओडेनम के अपने अंदर, जो उसके रिसेप्टर्स हैं स्ट्रेच के और कीमो रिसेप्टर्स, वो फिर इस इंटेस्टिनल फेज के दौरान स्टमक की कंटेंट्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खाने की एंट्री को रोक रहे होते हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर रहे होते हैं। ओके, इसमें क्या होगा, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और सीक्रेटिन रिलीज होंगी एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स प्रेजेंस की वजह से इनटू द स्टमक एंड अदर एरियाज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, और अगर फर्ज करें इस वक्त आपके पास अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स कोई रह गई होंगी तो उनको भी अच्छे से डाइजेस्ट करा के आगे ले जाना चाहेगा आपका एलिमेंट्री कैनाल, सो उनके लिए फिर गैस्ट्रिन की स्टिमुलेशन को ये बढ़ा देगा ताकि वहां पे जल्दी जल्दी वो अनडाइजेस्टेड पोर्शन अगर कोई रह गया है तो वो भी डाइजेस्ट हो जाए और उसके बाद फिर वो आगे रहे। सो बेसिकली क्या होगा, फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगी चीजों की और गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और खाना जो है फिर कंट्रोल होके जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है एब्जॉर्प्शन के लिए उतनी ही अमाउंट में आगे फिर जाना शुरू होगा इनटू द इंटेस्टाइन और आगे प्रोपेल होना शुरू होगा। सो दीज आर द 3 phases ऑफ सीक्रीशन। मैं मूवमेंट्स की बात नहीं कर रहा अभी, ये हम सीक्रीशंस को पढ़ रहे हैं। इंटेस्टाइनल फेज के अंदर सीक्रीशंस होती हैं इंटेस्टाइन का जो कॉन्टैक्ट होता है फूड से उसकी वजह से, गैस्ट्रिक फेज में जो स्टमक के अंदर फूड था उसकी वजह से हो रहा था, और सेफेलिक फेज में सिर्फ फूड के बारे में सोचने से गैस्ट्रिक सीक्रीशन निकल रही थी। ये तीनों सीक्रीशंस के फेज है। ओके, क्लियर हो गई बात यहाँ पे, कितने लोगों को क्लियर है कि गैस्ट्रिक सीक्रीशन के ये 3 phases हो सकते हैं। ये सिर्फ सीक्रीशन की बात हो रही है, मैं मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मूवमेंट अलग है, ये सीक्रीशंस की बात है कि स्टमक के अंदर सीक्रीशंस कब कितनी तादाद में रिलीज होंगी। सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक फेज में जब खाना वहां मौजूद था, जब इंटेस्टाइन के अंदर भी आना शुरू हो गया तो 10% उस वाले टाइम में रिलीज होंगी,
यही जो पेप्सिनोजन वाली बात मैंने आपको बताई, पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन होने के लिए गैस्ट्रिन रिलीज होगी यहाँ पे, जाहिर है कि फिर एसिड वगैरह की सिक्रीशन बढ़ेगी। और जो पहला फेज हमने पढ़ा था वो था सिफेलिक फेज, सिर्फ खाने के बारे में सोच के स्टमक की सिक्रीशन बढ़ गई। ओके क्लियर है, तो फिर अब हम आगे चलते हैं। ये डायग्राम थी गाइटिन की जो मैंने कल भी दिखाई थी, उसको याद रखिएगा। गाइटिन ने तीनों डायग्राम्स एक साथ मिला के दिखा दिए, ये तीनों फेजेस को एक साथ दिखा दिए। सिफेलिक ने देखा और सोचा खाने के बारे में, स्टे क्या मेरा ख्याल है। गैस्ट्रिक फेज में खाना मौजूद था, यहाँ से चली गई सिग्नल। और इंटेस्टिनल फेज में इंटेस्टीन के अंदर स्मॉल बाउल आप कह रहे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टीन को, ड्यूडेनम को, उसके अंदर जो सिग्नल्स थे उनकी वजह से स्टमक की एक्टिविटी रेगुलेट हुई। ओके अब बात कर लेते हैं कि डाइजेशन किन चीजों की होगी और अब्सॉर्प्शन किन चीजों की होगी स्टमक में। याद कर लीजिएगा, सिर्फ दो तरह की चीजें अब्सॉर्ब हो सकती हैं स्टमक से, या तो एस्पिरिन या डिस्पिरिन की जो गोली आप खा रहे होते हैं, या फिर एल्कोहल। ओके इसके अलावा कोई भी चीज अब्सॉर्ब नहीं होती आपके स्टमक से। ओके ये बात लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। सारी अब्सॉर्प्शन आमतौर पर आप लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की, आपकी इंटेस्टीन के अंदर हो रही होती है, या स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर हो रही होती है टू बी मोर प्रिसाइज। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो कि स्टमक के अंदर भी एब्जॉर्ब हो सकती हैं, अल्कोहल और एस्पिरिन। ओके सो ये दो चीजें एक्सेप्शन है, याद कर लीजिएगा, स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती है। और डाइजेशन में दो तरह के मामला होते हैं, प्रोटीन्स की पार्शल डाइजेशन हो जाती है स्टमक में, और सेलिवरी अमाइलेज जो होता है एसिडिक एनवायरमेंट में इनएक्टिव हो जाता है। सो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन थोड़ी देर के लिए स्टॉप होती है या डिग्रेडेशन कह लें आप इसको, और प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। सो डिग्रेडेशन पे डाइजेशन पे भी इफेक्ट देखिए स्टमक में क्या हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन की बात भी मैंने आपको बता दी कि एल्कोहल और एस्पिरिन डायरेक्टली यहीं से एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके देन कौन सी चीजें हैं या कौन सी केमिकल्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके स्टमक की सीक्रीशंस को। हिस्टामिन है, हमने पढ़ा, बढ़ा देती है, एल्कोहल है, कॉफी है, निकोटीन कह लें आप इसको, ये कैफीन कह लें, ये स्टिमुलेंट्स हैं, ये स्टिमुलेट कर देती हैं एसिड की सिक्रीशन को। साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं और ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, अगर कोई एक्सोजिनस ले रहा है किसी वजह से, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को अगर ले रहा है, कॉर्टिसोल फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से याद कर लीजिए कि कोई स्टीरॉयड्स ले रहे हैं, तो उसमें स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ी भी होगी क्योंकि HCl की सिक्रीशन ये सारी चीज़ें बढ़ा देती हैं। खाली पेट चाय पीने, कॉफ़ी पीने इसलिए मना करते हैं कि उस वक्त आप जब ये ले रहे होते हैं खाना वहाँ मौजूद नहीं होता जिस पे एसिड ऐड करके उसको डिग्रेड करें, अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो फिर आपको गैस्ट्राइटिस का फील होता है, ये स्टमक बर्निंग फील होती है। ओके सो ये केमिकल्स से जो काम करके बढ़ा सकते थे एसिडिटी को। क्या कॉफ़ी को याद कर लीजिएगा, टी को, कि कैफीन होती है, स्टिमुलेंट है वैसे तो CNS का कैफीन, इसीलिए चाय पीने के बाद नींद उड़ जाती है या कॉफ़ी पीने के बाद आप जागते रहते हैं, लेकिन ये आपके स्टमक के अंदर एसिड की क्वांटिटी को भी बढ़ा रहा होता है। ओके क्लियर हो गई ये बात, फिर हम आगे चलें। चलिए अच्छा, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या हो सकता है भाई, किसी ने बढ़ा दिया आपके अंदर स्टमक के एसिड को, तो अब आपके पास क्या सिलसिला है या क्या तरीकेकार है कि आप जो है वो प्रोटेक्ट होके बचे रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आपने अभी थोड़ी बहुत ही चाय की आदत डाली हो या थोड़ी बहुत ही कॉफी की आदत डाली और आपको गैस्ट्राइटिस डेवलप हो गया। सो कोई ना कोई बैरियर जरूर होता होगा, कोई ना कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जरूर है बॉडी के अंदर जो कि आपको पहले प्रोटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। ये क्या चीज़ है, इम्पर्मेबिलिटी ऑफ द पैराइटल एंड चीफ सेल्स टू HCl। चीफ सेल और पैराइटल सेल जो लगे हुए थे वहाँ लाइनिंग में स्टमक की, उनके अपने अंदर HCl नहीं घुस पाता, जगह नहीं होती घुसने की, या बहुत क्लोजली कनेक्टेड सेल्स होती हैं। देन म्यूकस की क्लियर की हम लोगों ने बात की थी कि म्यूकस की लेयर लगी हुई होती है उसके ऊपर। बेटा पेंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट स्टमक के अंदर कभी नहीं आएगा, पेंक्रियास की सिक्रीशन जो होती है वो इंटेस्टाइन में जाती है, पेंक्रियास की सिक्रीशन वहाँ पर जाके हो सकता है प्रोटेक्ट कर ले, लेकिन स्टमक के अंदर नहीं करेगी। हम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ स्टमक पढ़ रहे हैं। ओके इम्पर्मेबिलिटी ऑफ द पैराइटल चीफ सेल्स टू HCl, इसकी वजह से एसिड नहीं घुस पा रहा अंदर, और एल्कलाइन म्यूकस जो था जिसमें बाइकार्बोनेट मौजूद था वो इसको रोक रहा है। फिर टाइट जंक्शन है एपिथेलियल सेल्स के बीच में,
और अगर सेल्स थोड़े बहुत इरोड भी हो रहे हैं तो एक खास बात आपके स्टमक की ये होती है कि एंटायर एपिथीलियम को रिप्लेस कर सकता है 3 दिन के अंदर, इतनी ज्यादा रैपिड सेल डिविजन होती है स्टमक के अंदर। सो थोड़ी बहुत अगर डैमेज हो गई फौरन से रिप्लेस हो जाएगी। डैमेज से प्रोटेक्शन की 3 चीजें इम्परमीएबल टू एक्सियल है, कैराइटिन और चीफ सेल, टाइट जंक्शन है एपिथीलियल सेल्स के बीच में, और एल्कलाइन म्यूकस से सब कुछ कवर हुआ है। अब आप लोगों ने सुना हुआ होगा डिस्पिन खाने से या एस्पिरिन खाने से गैस्ट्राइटिस होता है या स्टमक अल्सर हो सकता है। कितने लोगों ने सुना हुआ है कि एस्पिरिन खाने से या डिस्पिन खाने से स्टमक में एसिडिटी बढ़ती है और अल्सर हो रहा होता है, पढ़ा हुआ है लोगों ने किसी ने? भाई एस्पिरिन का साइड इफेक्ट होता है, डिस्पिन का, एनसेड्स का कोई साइड इफेक्ट पड़ा हुआ है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप लोग अगर सोचें, जो मोस्ट कॉमन आप लोगों ने सुनी भी होगी वो डिस्प्रिन या एस्प्रिन सुनी भी होगी। एस्प्रिन खाने से एसिडिटी होती है, ये एक नोन फैक्ट है कि जब भी कोई एसिड एस्प्रिन खा रहा होता है या डिस्प्रिन खा रहा होता है उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसको थोड़े से बाद एसिडिटी रहनी शुरू हो जाती है। वो एसिडिटी क्यों होने लगती है या एसिड सिक्रीशन की वजह से नुकसान क्यों होने लगता है? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल्स होते हैं जिनको इनहिबिट करती है ये एस्पिरिन, ओके? और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब भी ब्लॉक हो जाते हैं उस वक्त हमारे पास ये जो म्यूकोसल लाइनिंग है इसकी प्रोटेक्शन कम हो जाती है और ये एसिड से रिएक्ट करके फिर उस वक्त खराब हो सकती है और अल्सरेशन कॉज हो सकती है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि प्रोटेक्टिव है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि रैपिड सेल डिविजन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक वॉल कर रहे होते हैं, अगर इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को आप इनहिबिट कर देते हैं, आपने तो दर्द के लिए, तकलीफ के लिए, सूजन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए खाई डिस्प्रिन, लेकिन नुकसान क्या हुआ उसने? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर दिया। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके लिए प्रोटेक्टिव थे स्टमक की वॉल के लिए, जब ये ब्लॉक हो गए तो स्टमक की वॉल को अब नुकसान हो सकता है जिसकी वजह से फिर गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी फील होगी आगे जाके पेशेंट को, ओके? ये बात समझ में आई किसी को? एनसेड्स दें, चाहे आप ब्रूफिन की बात कर लें, ब्रूफिन भी नाम सुना हुआ होगा, सुने भी नाम है डिस्प्रिन और ब्रूफिन, ये कभी सुना ही नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं बिल्कुल। डिस्प्रिन या ब्रूफिन के साथ क्या मसला है? ये आपके मैदे की तेजाबियत को इसलिए बढ़ा रही होती है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल्स को इनहिबिट करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन आपके लिए सेल डिविजन को इनहांस कर रहे होते हैं, बेसिकली प्रोटेक्टिव होते हैं आपके लिए स्टमक के हवाले से। अगर हम बात करें, अगर आप ओवरऑल पूरी बॉडी के प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देंगे तो स्टमक के अपने अंदर वाले भी इनहिबिट हो जाएंगे, सिलेक्टिव नहीं होती है ड्रग्स, उस वक्त फिर स्टमक की म्यूकोजा खराब हो सकती है, इरोड हो सकती है, उसमें सोर्स कॉज हो सकते हैं, दैट विल लीड टू गैस्ट्राइटिस, ओके? सो इसीलिए एनसेड्स की वजह से स्टमक में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं या स्टमक में इन्फ्लेमेशन होने लगती है और एसिडिटी फील होती है पेशेंट को, ओके? डिस्प्रिन का साइड इफेक्ट है बेसिकली एस्पिरिन में, इसीलिए इसका तोड़ क्या निकला है? अब एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन आ रही होती है, ऐसी एस्पिरिन आ रही होती है जो आपके स्टमक तक जाके नहीं घुलती बल्कि आगे जाके घुलती। सो स्टमक के अपने अंदर वो जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट नहीं करती और आगे जाके करती है जिसकी वजह से स्टमक के अंदर नुकसान नहीं होता। चलिए ये लेटेस्ट बात थी जो मैंने आपको बता दी। जिन लोगों के घर में कोई पेशेंट होगा कार्डियक, वहाँ पे एस्पिरिन इंडिकेटेड होती है, तो अब आमतौर पे एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन दी जा रही होती है पेशेंट से। देन दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक तो याद रखिएगा कि ट्यूमर हो सकता है जीआईटी के अंदर, अगर ट्यूमर है इसका मतलब है कि मेटास्टेटिक नहीं है, कहीं और नहीं फैलेगा, सिर्फ जीआईटी के अपने अंदर रहेगा। एक खास और बहुत मशहूर जी ब्रूफिन भी डिसॉल्व होगी स्टमक के अंदर, वो एंटेरिक कोटेड नहीं है। कोई भी दवा आप लेंगे जब एसिड उस पर एक्ट करेगा वो डिसॉल्व होने शुरू हो जाएगी, इवन माउथ से इनकी डिसोल्यूशन शुरू हो जाती है। अगर एंटेरिक कोटेड कोई चीज है तो उस वक्त वो एंटेरिक कोटेड चीज जो है वो स्टमक के आगे जाकर डिसॉल्व होती है यूजुअली, वरना कोई भी चीज आप खा रहे हैं वो दवा फौरन से डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है माउथ से आके, ओके?
ओके, स्टमक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। स्टमक का एक खास ट्यूमर है जो कि अगर हो गया गैस्ट्रिक ट्यूमर, दैट कैन रिजल्ट इनटू हाइपर सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन एंड इंक्रीज्ड एचसीएल प्रोडक्शन। दिस इज अ कंडीशन कॉल्ड ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिनोमास होते हैं, ये ट्यूमर्स हो जाते हैं स्टमक में, ड्यूडेनम में, पैनक्रियास में, जो कि गैस्ट्रिन रिलीज कर रहे होते हैं। ट्यूमर तो बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर खास बात यह है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर जो भी ट्यूमर होंगे या गैस्ट्रिनोमास होंगे वो गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे, और इस गैस्ट्रिन की रिलीज की वजह से एचसीएल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी जितनी लिमिट में होनी चाहिए उससे ज्यादा। एज अ रिजल्ट आपको म्यूकोजल बैरियर अब आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जो म्यूकस सीक्रेट हुआ था वो कम पड़ जाएगा इस स्टमक के आगे, हर वक्त ये प्रोड्यूस होता रहेगा क्योंकि ट्यूमर हर वक्त गैस्ट्रिन सीक्रेट करता रहेगा और गैस्ट्रिन हर वक्त एचसीएल को प्रोड्यूस कराती रहेगी, और अल्सरेशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस सिंड्रोम। सो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक खास बात याद कर लीजिएगा, अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द स्टमक से रिलेटेड। इस पे गैस्ट्रिनोमास या ट्यूमर्स होंगे स्टमक में, ड्यूडिनम में या पैनक्रियास में, और वो गैस्ट्रिन रिलीज कर रहे होंगे और गैस्ट्रिन एचसीएल बना रही होगी जिससे अल्सरेशन कॉज हो सकती है। फिर कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि स्टमक के अंदर कोई ट्यूमर था जिसकी वजह से आपने स्टमक का कोई पोर्शन पार्शली आपने रिमूव कर दिया और स्टमक बहुत छोटा रह गया। तो जब स्टमक छोटा रहेगा तो उसके अंदर ट्रांजिशन टाइम भी कम हो जाएगा, खाना कम देर रहेगा, हॉर्मोन्स और एंजाइम्स भी कम होंगे, तो इम्पार्शियल डाइजेशन होगी फिर वहां। ओके, और इम्पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है फिर वो आगे आपकी ड्यूडिनम के पास बढ़ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी सिंड्रोम। गैस्ट्रेक्टमी का क्या मतलब है, स्टमक को या स्टमक के कुछ पार्ट को रिमूव कर देना या काट देना। आमतौर पर इसकी इंडिकेशन यही होती है कि स्टमक के अंदर कोई ट्यूमर या कैंसर हो गया और आप स्टमक के उस पोर्शन को बॉडी से अलग करना चाह रहे हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन है जाहिर है कि वहां पे अब कम एचसीएल सीक्रेट होगा, कम डाइजेस्टिव एंजाइम जाएंगे, तो जो खाना आप खा रहे थे अगर उसकी क्वांटिटी उतनी ही है तो उसको वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और अनडाइजेस्टेड फॉर्म में थोड़ा सा आगे उसको प्रोपेल कर देगा, जिसकी वजह से फिर हाइपर ऑस्मोलर टाइम जाएगी ड्यूडेनम के अंदर। दिस इज कॉल्ड पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी सिंड्रोम। ये दूसरी बात की अप्लाइड। ओके, फिर कुछ और बातें जो आपको बताना जरूरी है, आपने सुना हुआ होगा पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है, दिस इज बेसिकली अल्सर और इरोजन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जीआईटी। अगर स्टमक के अंदर हो रहा है तो मैं कहूंगा गैस्ट्रिक अल्सर, अगर ड्यूडेनम के अंदर हो रहा है तो मैं कहूंगा ड्यूडेनल अल्सर। सो पेप्टिक अल्सर मेन चीज है, मतलब जीआई ट्रैक के अंदर इरोजन हो गई या म्यूकस मेम्ब्रेन खराब हो गई। आमतौर पर कहाँ पे हो रहा है, ये स्टमक के अंदर हो रहा है या ड्यूडेनम के अंदर हो रहा है, क्योंकि स्टमक के अंदर ज्यादा एसिड था और स्टमक ने अपना एसिड से मिला हुआ खाना आगे ड्यूडेनम के अंदर पहुंचाया। सो ये दो मोस्ट कॉमन जगह है जहां पे पेप्टिक अल्सर होगा। अब अगर ये स्टमक के अंदर हो रहा है तो आप इस पेप्टिक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर कह सकते हैं, और अगर ये ड्यूडेनम के अंदर हो रहा है तो आप इसको ड्यूडेनल अल्सर कह सकते हैं। ओके, सो ये क्लियर हो गया कि पेप्टिक अल्सर क्या है, ड्यूडेनल अल्सर क्या है और गैस्ट्रिक अल्सर क्या है। यह दोबारा बता दूं, जीआई के अंदर जो इरोजन हो गई म्यूकस मेम्ब्रेन की आपके एलिमेंट्री कैनाल में, उसको आप कह रहे हैं पेप्टिक अल्सर। अगर ये स्टमक के अंदर हो गई है तो आप उसे प्रिसाइसली कह सकते हैं कि ये गैस्ट्रिक अल्सर हुआ, ये स्टमक के अंदर अल्सर हुआ। और अगर ड्यूडेनम के अंदर हो गया, स्टमक क्लियर है, तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि ये ड्यूडेनल अल्सर है। बेसिकली दोनों पेप्टिक अल्सर की टाइप होंगी, ड्यूडेनल अल्सर भी और गैस्ट्रिक अल्सर भी। तो अगर इंटरचेंजेबली कोई इन टर्म्स को यूज कर ले, गैस्ट्रिक अल्सर को पेप्टिक अल्सर कह दे या ड्यूडेनल अल्सर को पेप्टिक अल्सर भी कह दे तो गलत नहीं है, लेकिन लोकेशन के साथ बता रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है कि आप प्रॉपर लोकेशन के साथ वाला वर्ड यूज करें, ड्यूडेनल अल्सर कह लीजिए या गैस्ट्रिक अल्सर कह लीजिए। ओके, बेसिकली अल्सर क्या है, इट इज इरोजन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जीआई। ओके, क्लियर है यहां पे। फिर हमारी पॉपुलेशन में ये खास किस्म का बैक्टीरिया है जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है, विच इज कॉल्ड एच पायलोरी और हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ये एसिड सीक्रेशन को बढ़ा देता है, ये स्टमक बग भी कहलाता है, ये हमारे स्टमक के अंदर
जो एसिड की सिक्रीशन हो रही होती है उसको ट्रिमेंडस अमाउंट में बढ़ा देता है। अब अगर किसी के अंदर ये है और इसकी वजह से अल्सर कॉज हुआ है तो हम ऐसी दवाएं तो देंगे ही जो कि एसिडिटी को कम करें, लेकिन हम साथ में ऐसे एंटीबायोटिक्स भी देंगे जो कि इस बग को एलिमिनेट कर दें या किल कर दें। तो यूजुअली पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग गिवन टू सच पेशेंट्स साइमल्टेनियसली फॉर 14 डेज, जिससे ये बग भी रिमूव हो जाती है और साथ में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी दे रहे होते हैं ताकि एसिड की प्रोडक्शन भी कम हो जाए और पेशेंट को रिलीफ मिले। ओके, फिर आप एक और टर्म भी सुन सकते हैं, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अगर किसी के अंदर हिस्टामिन बढ़ गई है, हिस्टामिन की रिलीज ज्यादा हो गई है, चाय कॉफी ज्यादा पीने की वजह से स्टिमुलेशन हो गई है, तो उसको अक्यूटली अगर कोई मसला चल रहा है पिछले 3 दिन 4 दिन 5 दिन से या 15 दिन से कम हुए मसले को, आप उसे कह सकते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस। और इसके लिए आमतौर पर यूजुअली हम हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर और PPI देके ट्रीट कर रहे होते हैं, इस पे कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती। ओके, सो ये गैस्ट्राइटिस बेसिकली आइटिस जहां भी आ रहा है आपको पता है इन्फ्लेमेशन होती है। गैस्ट्राइटिस अगर वर्ड यूज हो रहा है तो स्टमक की इन्फ्लेमेशन, और अक्यूट का मतलब है कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हुई है। आमतौर पर ज्यादा स्टिमुलेशन हो गई अगर एसिड प्रोडक्शन के लिए किसी वजह से, उस वक्त ये हो सकता है। एंजाइटी में भी आप देखें इस तरह से हो रहा होता है, गैस्ट्राइटिस हो रहा होता है लोगों को, और भी कोई वजूहत होती है जिनकी वजह से ये हो सकता है, चाहे बहुत ज्यादा पी रहे हो तो उसकी वजह से हो रही है। सिम्टम्स क्या है इसमें, चेस्ट पेन होती है एपिगैस्ट्रिक, मतलब आपको चेस्ट में बिल्कुल बीच में रिब केज के बीच में लग रहा होता है कि पेन हो रहा है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको भूख नहीं लगेगी, इस तरह के सारे सिम्टम हो सकते हैं, और सीने में जलन होगी। दीज आर दी कार्डिनल सिम्टम्स और दी मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस। भूख लगनी कम हो जाएगी, सीने में जलन होगी, साथ में आपको जो है वॉमिटिंग और नोजिया भी फील हो सकता है। दीज आर दी मेन सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस। ट्रीट करने के लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट तो ये दे ही रहे कि आपने ड्रग्स दी, साथ में आप डाइट को मॉडिफाई करते हैं, लाइट डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्चों मसालों वाली चीज़ें अवॉइड करते हैं, तेल और मसाले वाली जैसा फ्राइड जो चीज़ें होती हैं उनको भी अवॉइड करते हैं। दूसरा इस पर फिर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि खाने में और सोने में गैप हो। जो लोग खाना खा के फौरन 1-1.5 घंटे में ही सो जाते हैं, आमतौर पर उनके लिए खाने को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है सोते में, और खाना नीचे नहीं गया होता उनके स्टमक से जब वो सो गए होते हैं, उन लोगों के अंदर भी गैस्ट्राइटिस इज कॉमन। सो रिकमेंडेड यही है कि 3-4 आवर्स का टाइम हो आपके खाना खाने और सोने के बीच में, तो आप इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं या बचे रहते हैं। और अनड्यू टेंशन ना लें चीज़ों की, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन टेकिंग पर्सनैलिटी हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी है जो हर चीज़ को परेशान हो जाता है, तो उस सूरत में भी HCL की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ड्यू टू नर्वस स्टिमुलेशन ऑफ दी GIT। ओके, सो आपको डाइट को मॉडिफाई करने कहा जाएगा, आपको मील टेकिंग टाइम को मॉडिफाई करने कहा जाएगा, प्लस ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं ताकि एक साथ बहुत ज़्यादा स्टमक के अंदर से एसिड रिलीज ना हो, अपने मील्स को थोड़ा सा शॉर्ट करें। दिस इज हाउ यू ट्रीट गैस्ट्राइटिस। ओके, समझ आया आप लोगों को, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, 2-3 मिनट रह गए हैं, मैं कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट जो है वो आपको करा देता हूँ जो हमने आज पढ़ा खास तौर पर। उसमें से आज जो हमने एक्स्ट्रा बातें की स्टमक के बारे में, उनमें हमने बात ये की कि स्टमक के अंदर 2 चीज़ें हैं जो अब्जॉर्ब हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, अल्कोहल और एस्पिरिन, ये आ जाता है MCQs में। साथ में कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन की डाइजेशन भी साइड बाई साइड चल रही होती है, लिपिड की किसी भी तरह की डाइजेशन स्टमक में नहीं होती। ओके, देन गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ये स्टमक की एसिडिटी कब बढ़ सकती है, हिस्टामिन रिलीज हो जाए, अल्कोहल की वजह से हो सकती है, कैफीन रिलीज ड्यू टू कॉफी, ACTH अगर कोई एक्सोजेनस ले रहा है या फिर कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है, उन सब के अंदर HCL बढ़ जाएगी और म्यूकस कम हो जाएगी, सो गैस्ट्राइटिस हो सकता है। देन नेचुरल प्रोटेक्शन क्या थी, हमारी म्यूकस की लेयर थी, पैराइटल सेल के अंदर नहीं जा रहा था, इम्परमीबल थी ये HCL के लिए, और एपिथीलियम के बीच में भी बहुत टाइट जंक्शन होते हैं, प्लस एपिथीलिया बहुत जल्दी रिप्लेस हो रही होती है जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। प्रोस्टाग्लैंडिंस
अगर आप इनहिबिट कर दें किसी के अंदर एस्पिरिन देके या एनसिड्स देके या ब्रूफिन देके, उस वक्त जो है वो अल्सरेशन कॉज हो सकती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिंस आपके स्टमक के लिए प्रोटेक्टिव है। फिर अगर किसी की पार्शल गैस्ट्रेक्टमी हो गई तो उसके अंदर फूड थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही आगे प्रोपेल हो जाता है ड्यूडेनम में, क्योंकि ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है। फिर ज़ोरेंगर एलिसन सिंड्रोम नाम का एक सिंड्रोम है जो कि गैस्ट्रिक ट्यूमर्स इन द स्टमक ड्यूडेनम और पैनक्रियास कॉज करता है, और इसमें गैस्ट्रिन की सीक्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से फिर एचसीएल प्रोडक्शन बढ़ जाती है बॉडी में स्टमक के अंदर, और इट कैन लीड टू एन इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड एचसीएल सीक्रेशन। सो यहाँ पे फिर आखिरकार अल्सर हो सकते हैं या अल्सर रिजल्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं, इट इज एन इरोजन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जीआई बेसिकली, और अगर ये स्टमक के अंदर हो रही है तो आप इसे ड्यूडेनल गैस्ट्रिक अल्सर कह रहे हैं, अगर ड्यूडेनम के अंदर हो रही है तो ड्यूडेनल अल्सर कह रहे हैं। और एक लेस कॉमन चीज भी सुन लीजिए, इसोफेगस के अंदर भी कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है, उसको फिर आप इसोफेजियल अल्सर कह रहे हैं। ओके, सो ऊपर से लेके नीचे तक, इसोफेगस से लेके ड्यूडेनम तक ऐसा हो रहा होता है, डिस्पेप्सिया इनडाइजेशन होती है बेसिकली। ओके, ये जो एनवायरमेंट आपके स्टमक को क्रिएट करना था वो क्रिएट नहीं कर पाया, उतनी अमाउंट में एचसीएल प्रोड्यूस नहीं हो पा रही या ज्यादा हो गई, दैट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन इन गैस्ट्राइटिस, और अगर इनडाइजेशन होगी दैट इज डिस्पेप्सिया। ओके, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर किसी को गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो आप उसको क्या दो चीजें दे सकते हैं, या तो आप उसको H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे जो कि स्टमक वाली हिस्टामिन को रोकेगी जो H2 रिसेप्टर्स के थ्रू काम कर रही थी, या फिर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे। ये हमने यहाँ डायग्राम में देख के अपना कॉन्सेप्ट बनाया था। ये देखिए, अगर मैं इस पंप को बंद कर देता हूँ तो HCl की प्रोडक्शन रुक जाएगी क्योंकि H आने बंद हो जाएंगे, तो वो जो राइजेक है या ओमिप्राजोल है या एसोमिप्राजोल है, PPI जो सारी ड्रग्स इसको ब्लॉक करती है, एज अ रिजल्ट स्टमक पैसिव कम हो जाती है, और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हिस्टामिन को ब्लॉक करती है ताकि HCl की और बाकी चीजों